नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आज आपके साथ में एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के साथ में जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हमारा तो नहीं है, हम एजुकेशन फील्ड से हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो हर आदमी के लाइफ में होती हैं और वो अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करता है। तो ऐसे ही कुछ हेल्थ टिप्स भी मैं अपने डेली रूटीन में फॉलो करता हूं और ये टिप्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इसका भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए और इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए, क्योंकि आज के दौर में अपने आप को फिट रखना एक टफ और बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो यही आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपने आप को डेली रूटीन्स में फिट रख सकते हैं इन कुछ छोटी छोटी टिप्स की मदद से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये कौन सी टिप्स हैं जिनके जरिए मैं अपने आप को रखता हूं हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्थी ऑन डेली बेसिस। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मेरी इन ट्रिक्स के बारे में जिनके ज़रिए मैं अपने आप को हेल्दी और फिट रखता हूं। तो मेरी पहली ट्रिक है दोस्तों, सुबह उठकर रोज़ गरारे करें। सुबह उठकर रोज़ नमक के पानी से गरारे करें, चाहे आपको ज़ुकाम हो या ना हो, तब भी रोज़ गरारे करें। गरारे करने के लिए एक गिलास पानी में 2 चुटकी नमक डालें तथा हर गरारे को 15 सेकेंड तक करें, और जब आधा गिलास पानी रह जाए तो उस पानी से केवल कुल्ला करें। दोस्तों, गरारे करने से आपको गले की खराश नहीं होगी और जुकाम भी नहीं लगेगा, और नमक के पानी से सुबह सुबह कुल्ला करने से आपके दांतों की बीमारियां भी नहीं होंगी और आपके दांत निरोगी रहेंगे। तो ये एक अच्छी ट्रिक है दोस्तों अपने आप को फिट रखने का। आजकल पॉल्यूटेड माहौल में, जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, उससे अपने आप को शेप रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप सुबह उठकर रोज़ नमक के पानी से गरारे करें और जितने भी डस्ट आपके गले में है उसको बाहर निकालें। मेरी ट्रिक नंबर 2 है दोस्तों, जिसके ज़रिए मैं अपने आप को फिट रखता हूँ और डेली इन चीज़ों को मैं यूज करता हूँ, उनमें से नंबर 2 है ग्रीन टी का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी ज़रूर पिए, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, और इसका सेवन अदरक के साथ करें तो और भी लाभ होंगे। दोस्तों, पहले सीजन बदलने पर हमेशा मुझे खांसी जुकाम की परेशानी होती थी, और फिर मैंने अदरक के साथ ग्रीन टी का सेवन शुरू किया और धीरे धीरे मेरी यह परेशानी समाप्त हो गई, और अब सीजन बदलने पर मुझे कभी खांसी जुकाम नहीं होता। पर याद रहे कि आप इसका सेवन नियमित रूप से करते रहें तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, और ग्रीन टी आपके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप अपनी नॉर्मल टी को या आप अपनी ब्लैक टी को ग्रीन टी में रिप्लेस करें और स्वस्थ रहें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मेरी ट्रिक नंबर 3 के बारे में, जिसके ज़रिए मैं अपने आप को डेली रूटीन में फिट रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है लहसुन का सेवन। जी हाँ, गार्लिक का सेवन। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक का सेवन। दोस्तों, अगर आप पेट की गैस से परेशान हैं तो सुबह उठकर खाली पेट लहसुन का सेवन करें। शुरुआत में लहसुन खाना मुश्किल लगेगा, मगर लगातार खाने पर इसकी आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में आप एक फली का सेवन करें और कुछ समय बाद 2 से 3 फली आप खा सकते हैं। दोस्तों, यह पेट के गैस को समाप्त करने में बहुत ही उपयोगी है, और इसका उपाय से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर हम इसका डेली सेवन करें तो हम बहुत सारी बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी है मेरी ट्रिक नंबर 4 की, जिसके ज़रिए मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, और ये है दोस्तों डेली एक्सरसाइज एंड हेल्थ चेकअप। जी हाँ दोस्तों, डेली एक्सरसाइज एंड हेल्थ चेकअप। दोस्तों, आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग एक्सरसाइज, जो कि नियमित रूप से होनी बहुत ज़रूरी है। हमें डेली कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए अपने आप को देना चाहिए,
और मॉर्निंग एक्सरसाइज को ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज के ज़रिए हम बहुत सारी बीमारियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं और फिट और हेल्थी भी रह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष की है या उससे अधिक है, तो अपना स्वास्थ्य की जांच हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। इससे किसी भी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाएगा और यकीन मानिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेज में हर बीमारी का इलाज संभव है, चाहे वह कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज और अपने एज के अकॉर्डिंग अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर बेसिस पे कराते रहें, तो हम फिट एंड हेल्थी रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये आखिरी टिप है जो कि हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, मेरा जो मैं अपने लिए डेली यूज करता हूँ, वो है दोस्तों स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन, ACP। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं ये ACP है क्या? खाने में सबसे हानिकारक वस्तु है दोस्तों ACP, यानी कि अचार, चटनी और पापड़। इन तीनों से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल की गई सामग्री एक तो कच्ची होती है और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनमें होता है। अतः इनका प्रयोग ना करें और इनकी जगह ड्राई फ्रूट्स या ताज़े फलों का सेवन करें। और याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, तथा इस अनमोल पूंजी को ठीक रखने के लिए खर्च करना सीखें। अपनी सेहत के लिए कभी भी लापरवाही ना दिखाएं। तो ये थे दोस्तों मेरे कुछ हेल्थ टिप्स जो मैं अक्सर अपने आप को फिट रखने के लिए डेली रूटीन्स में यूज करता हूँ और फिट रहता हूँ। तो ये मैंने आपके साथ में बांटना जायज समझा। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियोज़ में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।